ये हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि AD के बराबर DE बना दी और PM के बराबर MT बना दी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल अब ये जो इसमें इस केस में यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है BDE एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, इसमें क्या है BD इक्वल्स टू DC है क्योंकि D मिड पॉइंट है, और ऐसे ही AD इक्वल्स टू DE है क्योंकि D भी अब मिड पॉइंट हो गया, और एंगल BDE इज इक्वल्स टू एंगल ADC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, आया ना, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा BE इक्वल्स टू AC, ये BE साइड जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहां भी प्रूव कर सकते हो आप, ये जो R है तो PR इक्वल्स टू QT होगी, ठीक, हाँ सिमिलरली लिख दो, वो कर दिया, यहाँ सिमिलरली लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर है वो 9th में हो चुका, तो टीचर को ही पता है कि बच्चे को आता है, तो आप ये लिख सकते हो कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय साइड एंगल साइड रूल, तो आप सीधा भी लिख सकते हो इसको कि BE इज इक्वल टू AC बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT लिख जरूर देना है, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, फायदा देखो कैसे होता है, हमें गिवन क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये हमें गिवन था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ABE, बड़ा ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल इधर ले ले PQT, ये जो बड़े ट्राइंगल बने ना, ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, तो इनमें देखो साइड्स का रेशियो लिखता हूं मैं AB अपॉन PQ, ठीक है, तो AB ये, PQ ये, ठीक, और ये रेशियो इक्वल्स टू है किसके, AC अपॉन PR, बट AC किसके बराबर है, BE के, हाँ या ना, तो AC की जगह लिख देता हूं मैं BE, और PR के बराबर है QT, तो लिख देता हूं यहां QT, इस जगह देखो ये ले आया मैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, AD रेशियो PM है, तो AD को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, PM को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो AD को देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो AE आ जाएगा, और PM को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो PT आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रेशियो में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बट इन दो ट्राइंगल में देखो तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो साइड से ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQT, सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल इक्वल हो जाएंगे इनके, ठीक है, तो एंगल लिख लेता हूँ, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल QPT, कहाँ, अच्छा वो ई तक कर लो, कोई बात नहीं होता, आगे लास्ट पॉइंट उसका ई है तो ई तक कर लो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वो, तो बीच में पॉइंट डी भी आ रहा है तो आगे ई तक कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अब क्या करूं, एंगल इक्वल करना तो मेरा पर्पस नहीं था, मेरे को तो ट्राइंगल जो है वो करने हैं इक्वल, ठीक है। तो यहां एक और लिख लेता हूं, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो सिमिलरली एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल MPR, ठीक है, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो ये एंगल कौन सा है BAE ये वाला, और ये एंगल कौन सा है DAC ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एंगल A लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या आ जाएगा, एंगल P, है ना, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो गया,
और इन दो ट्राइंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है और ए बी अपॉन पी क्यू है और ए सी अपॉन पी आर है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको।